सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम और आप किस वार्ड से करेंगे। मैं फैजल खान 31S सागरपुर से CPM का कैंडिडेट हूँ। आप नौकरी को भी अपना पेशा चुन सकते थे या कोई दूसरा व्यवसाय कर सकते थे या किसी और क्षेत्र में जा सकते थे। पहले तो मैं अपने भाई के साथ जूते का मतलब अपर का काम है स्टिचिंग का, उसी में हूँ मैं था। और उसमें ऐसे से लोग आते थे काम मांगने के लिए जिनके शोहर नहीं होते थे, कोई गरीब होता था, उनको देखता था मैं, तो वो कभी कभी अपने घर का बात बताता, तो मेरे को बड़ा मतलब अजीब सा दुख होता था क्योंकि इस चीज़ से मैं गुजरा हूँ, इसलिए से इस चीज़ को मैं अच्छे से फील करता था। तो फिर मैं उसको नहीं आता था काम नहीं भी आता था, फिर भी मैं उसको रख लेता था, उसको समझाता था, बताता था, ताकि उसे एक हुनर मिले, और कोशिश करता था उसको मशीन पे बैठाने का। हेल्पर ही तो धागा वागा कर पाता था, लेकिन उसको कोशिश करता था मशीन पे बैठाने, उसके हाथ में कुछ हुनर दे ताकि ये हमारे यहाँ से निकल कर कहीं भी जाए, अपने आप निर्भर हो सके, काम कर सके। मैं गाँव से भी जानता था इस पार्टी को, CPIM को, CPI है वहाँ बेगूसराय में। एक बार वो सात सीट पे आई थी, जीती थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं छोटा सा था, काफ़ी छोटा था। तो एक ये अच्छी पार्टी है, ये गरीब के बारे में सोचती है, मजदूर वर्ग के बारे में सोचती है, तो ये ऐसे लोगों के बारे में सोचती है जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं। तो मुझे इस पार्टी में आने का एक अवसर मिला, यहाँ दिल्ली में आके अवसर मिला, जो गाँव में तो मैं नहीं था जुड़ा हुआ, दिल्ली में आके ये अवसर मुझे मिला। अच्छा, आप अपने लाइफ जर्नी के बारे में कुछ बताएं, आपका जीवन कैसा रहा है और फिर राजनीतिक जीवन कैसा रहा है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, एक हमारे घर में कमाने वाले हमारे पापा होते, हम 6 भाई और 2 बहन और मम्मी पापा 10 जने थे। तो हमने गरीबी देखा, बहुत गरीब से देखा है, रोटी क्या होती है, भूख क्या होती है, उसको अच्छा फील किया मैंने। तो यहाँ फिर वहाँ से हम, पहले तो बड़ा वाला भाई दिल्ली आया, फिर हम लोगों को भी भाई 3 भाई को लेकर फिर यहाँ आए, तो उन्होंने जूते के काम में लगाया, फिर मुझे बुलाया, फिर हमें यहाँ 4th class में मैं यहाँ प्राइवेट से पढ़ा, फिर उसके बाद मैं डी ब्लॉक जनकपुरी से 12वीं किया, उसके बाद मैं वहाँ मोतीलाल से पढ़ाई किया। अच्छा, आपने डी यू से किया है जी, फिर वहाँ पढ़ाई किया, फिर घर की हालात कुछ ऐसी ठीक नहीं थी, बीच में मुझे पढ़ाई छोड़ के अपने भाइयों के साथ काम में हाथ बटाना पड़ा। तो धीरे धीरे फिर मैं इस पार्टी को देखा, हमारे बगल में पड़ोसी थे, उसके साथ हम जुड़े और धीरे धीरे इस पार्टी में हम काम किए, पार्टी के साथ रहे। मतलब आपका राजनीतिक संघर्ष अपने कॉलेज के टाइम से शुरू हो गया था। हाँ, मेरा जो संघर्ष था कॉलेज के टाइम से शुरू हो गया था। आप SFI में जुड़े थे जी, SFI से जुड़ा था। जैसा कि आप अब अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष कॉलेज में जब आप थे तभी से आप देख रहे हैं, लेकिन अब तक समाज में आपका योगदान क्या रहा है। समाज में हमारा योगदान ये रहा कि कोई गरीब है, किसी तरह की मदद उन्हें चाहिए, तो मैं उनका मदद करने की कोशिश करता था, चाहे वो पेंशन बनाने के लिए हो, राशन कार्ड बनवाने के लिए हो, पहचान पत्र के लिए हो, वो हर चीज़ डॉक्यूमेंट उनसे हम ले लेते थे और खुद जाके उनको डॉक्यूमेंट हम जमा करते थे और उनको बनवा के ला के उनके हाथ में देते थे, ताकि उन्हें परेशानी ना हो, धक्का खाना ना पड़े कहीं जाके उन्हें। इस चीज़ को मैं खुद अपने हाथ में लेके करता था। शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह क्षेत्रों में आपने कुछ काम किया है? हाँ किया है, जैसे कोई बीमार हो जाता था तो उसे मैं दीनदयाल उपाध्याय लेके जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को मैं पढ़ने के लिए बच्चों को समझाता था, लोगों के उनके माता पिता को समझाता था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको पढ़ेगा कुछ समाज के बारे में जानने की कोशिश करेगा, पढ़ेगा तभी समाज के बारे में जान पाएगा अच्छा बुरा क्या है। और उनको खाने पीने की कोई दिक्कत होती थी तो पैसे से भी मैं मदद करता था। यानी आपने जो जीवन देखा है वो दूसरों को नहीं देखना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई ये गरीबी तो रहे नहीं देश में, जो गरीब लोग है आए दिन भूख से लोग की मौत होती है, इस चीज़ को ऐसी ऐसी खबरें अखबारों में टीवी में देखकर बहुत दुख होता है, बहुत ही मतलब ये देश का दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी इतने हजारों टन गेहूँ सड़ जाते हैं लेकिन गरीब तक पहुँच नहीं पाते, तो ये चीज़ जो है देश में नहीं होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, जैसा कि पता है कि आप सागरपुर से MCD का चुनाव लड़ते हैं, तो अब मेरा प्रश्न उसी को लेकर के है कि MCD चुनाव में
आपके मुख्य कौन से मुद्दे हैं और समस्याएं आप क्या देखते हैं और उसका समाधान आप किस रूप में देना चाहते हैं? समस्या ये है कि MCD में गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड, वृद्ध लोगों के लिए, विधवाओं के लिए पेंशन जो अलॉट होता है वो सही लोगों को नहीं पहुंच पाता। मैं अगर जीतता हूँ तो मैं सबसे पहले ये अपने खुद जिस तरह से वोट मांग रहा हूँ लोगों से घर घर जाकर, एक घर घर जाकर मैं खुद देखूंगा कि कौन वृद्ध है और कौन मुझसे मात है, उनको ये पेंशन मुहैया कराया जाए। आज वृद्ध लोग अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं पैसे के लिए, क्योंकि सबकी पेंशन नहीं बंधी हुई, सबकी सरकारी नौकरी नहीं है। वो अपने पोता पोती नाते नाती को कुछ देने वाले बने, अपने कुछ इलाज के लिए अपने बेटों पर निर्भर ना रहे या बेटियों पर ना निर्भर रहे। सरकार के द्वारा जो पैसा अलॉट होता है उसको सही तरह से वृद्ध लोगों को मिले तो वो अपने पैसे जेब में रहेगा, पैसे उनके पास रहेगा तो वो कुछ कर सकते हैं अपने इलाज में ही या अपने ऊपर ही या अपने किसी आस पड़ोस में। उनका मदद भी करने का इच्छा होता हो तो नहीं कर पाते, तो वो खुद परेशान रहते हैं। तो पेंशन जो है सही तरीके से MCD द्वारा के पास पहुंचता है, इसमें करप्शन है, लोग खा जाते हैं। क्यों खा जाते हैं भाई? वो वोट के लिए लूट मचाते हैं, लुटाते पैसा, बहुत लुटाते पैसा। जो लुटाएगा वो दोनों हाथों से लूटेगा। MCD में साफ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। अभी भी लोग अपने घर से सीवर सफाई के लिए 150 रुपये देते हैं, जबकि ये इनका काम नहीं है। वोट वो निगम पार्षदों को इसलिए देता है ताकि इनके आसपास साफ सफाई की व्यवस्था निगम पार्षदों द्वारा किया जाना चाहिए। मैं अपने वार्ड में डिस्पेंसरी खोलने का वादा किया हूँ, इसलिए किया हूँ ताकि लोग जो बुखार, जुकाम, सर्दी, डेंगू कुछ भी हो तो जाके अपनी डिस्पेंसरी में जाके इलाज करा सकें। यहाँ पे रात बिरात दिन दोपहर मान लो कोई बीमार पड़ता है तो उन्हें दीनदयाल ले जाना पड़ता है। दीनदयाल दीनदयाल 5 दिन से बंद है, कितने लोगों की जान जा रही है इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है दीनदयाल में। वहाँ पे जो कब्जा वहाँ के लोकलों का, हमारे वार्ड में एक भी डिस्पेंसरी नहीं है जिससे कि कोई गरीब आदमी या बगल में डिस्पेंसरियों से लोग चल फिर के घूमते फिरते पहुंच जाएगा अपना इलाज करा सकता है। बुखार का हो गया हो, सर दर्द, पेट दर्द, कुछ भी किसी का भी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकता। मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है हमारे वहाँ पे, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है हमारे वहाँ पे, कोई सरकार का के द्वारा कोई डिस्पेंसरी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ये स्वास्थ्य का जो है बहुत बड़ा एक समस्या है, इसको मैं दूर करने की। अच्छा, गंदगी और स्वास्थ्य को लेकर? बहुत गंदगी की, बहुत गंदगी है। कॉलोनी बहुत बिल्कुल साफ नहीं है, पूरा जगह जगह पे फैला हुआ रहता है, मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, सीवर से पानी निकलता रहता है, सीवर से वहाँ पे मक्खियाँ भिनभिनाती तो खाने पीने की चीज़ों पे बैठती हैं, उससे बीमारियाँ फैलती है। जैसा आपने बताया कि कॉलेज के टाइम से ही आप राजनीति में सक्रिय रहे हैं, और आपने अभी बताया कि जब आप बेगूसराय में थे अपने गाँव में तो वहाँ से CPM को देखते आए, तो अभी आप MCD चुनाव लड़ रहे हैं, तो आगे जाकर बड़े स्तर पर भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। वैसी स्थिति में पूरे भारत को समाहित करके देखा जाए तो उस स्तर पर आप पर्यावरण के बारे में या भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं? अभी आपको हाल फिलहाल में आपने दिल्ली में जब दिवाली के एक दिन बाद आपने देखा था कि पॉल्यूशन इतना फैल गया था जैसे कोहरा जैसा लग रहा, उस टाइम लोगों को सांस की प्रॉब्लम होने लगी थी, फेफड़ों में प्रॉब्लम आने लगी थी। तो ये पर्यावरण जो है इतनी दूषित हो रही है, दूषित होने का कारण जो है उद्योग है, कंस्ट्रक्शन है जो बड़े बड़े बिल्डरों के हाथ में है, ये जो है पर्यावरण को दूषित करती है। भारत सरकार द्वारा किया जाता है ये हम पर्यावरण के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सिर्फ कागजों में, जमीनी हकीकत कुछ और है। शिक्षा के बारे में आपके विचार? मेरा मानना यह है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था उसी तरह शिक्षा का भी राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। जब एक समान एक तरह से सब बच्चे जन्म लेते हैं तो पढ़ाई भी उसी तरह से सभी का एक समान होना चाहिए, किसी में तरह किसी तरह का भेदभाव
नहीं रहना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। ये अंतर जो है, ये अंतर को समाप्त करना चाहिए। ये अंतर जो है फीलिंग पैदा करती है अमीरी और गरीबी की, ये नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न स्वास्थ्य से लेकर है, जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, लेकिन वृहद स्तर पर देखा जाए तो स्वास्थ्य में आपके क्या विचार हैं? कोई मॉडल जिसे आप देखना चाहते हैं? स्वास्थ्य में ये विचार है कि ये स्वास्थ्य तो शहर तक तो थोड़ा ठीक है, गांव में इसका बहुत ही बुरा हाल है। गांव में उनके नज़दीक जो है ना कोई क्लिनिक है, ना कोई डिस्पेंसरी है। और स्वास्थ्य में स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों के पास अपना पैसा नहीं होता है कि अपना वो इलाज करा सके। बीमा होगा तो मान लो कर्जा लेके भी कुछ इलाज करता है तो वो रिफंड ले सकता है स्वास्थ्य में। तो मेरा तो मानना ये है कि स्वास्थ्य में सरकार का बढ़ चढ़ के योगदान होना चाहिए, इस चीज़ में भाग लेना चाहिए सरकार को। लोगों के लिए स्वास्थ्य के बारे में योजना ही सिर्फ बनाने से नहीं, उसे सही तरह से लागू करना चाहिए हर जगह पे पूरे भारत में। मेरा अगला और अंतिम प्रश्न आपसे कि बैलेट बॉक्स इंडिया ने जन मेला का एक कंसेप्ट दिया है चुनाव सुधार को लेकर, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? ये मानने वाली बात है कि ये शोरगुल होता है, गलियों से भीड़ निकलती है, रोडों पे जाती है, ट्रैफिक लोग परेशान होते हैं, एम्बुलेंस निकल रही है, उनको रास्ता नहीं दिया जाता है, क्यों बड़े बड़े लोग निकल रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि ये ना आज इस ये मंत्री जा रहे हैं तो रास्ते में कोई एम्बुलेंस में निकल रहे थे, उनको रास्ता नहीं दिया गया, उनको रोक दिया गया, तो लोग इससे परेशान है। हाँ, एक मंच होना चाहिए, उस मंच पे डिबेट होना चाहिए, उस डिबेट पे सबको अपने अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, सबको उतना ही टाइम मिलना चाहिए जितना कि दूसरे कैंडिडेट को मिलता है। तो आप जन मेला के समर्थन में हैं? मैं हाँ, समर्थन में, इसके पूरे समर्थन में। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप चुनाव में जीत करके आए, और साथ ही आपने जो भी हमसे वादे किए हैं, जो जिन मुद्दों पे आपने बात की है उसे पूर्ण करें, और एमसीडी चुनाव को लेकर शुभकामनाएं। धन्यवाद।